वल्लाहि तुम्हें मोहम्मद और उसके सहाबा से लड़के कुछ भी हासिल नहीं होगा। नतीजा ये होगा कि तुम अपने बाप भाई और रिश्तेदारों की लाशों को देखोगे। या बनी हाशिम, आप सब ने मेरे भतीजे यानी मोहम्मद को तो सुना है। मोहम्मद जो कहते हैं वो बड़ा ही खूबसूरत है। कहता है एक अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो, वो सब छोड़ दो जिस पर तुम्हारे बड़े यकीन रखते थे। ये है कुरैशियों का असली मर्द, ताकतवर, ज़हीन। इस इंसान में वो सारी खूबियां हैं जो ऊपर वाले ने हम कुरैशी हैं। जिसने भी ये कहा कि रसूल अल्लाह नहीं रहे, उस पर मेरी तलवार का कहर बरसेगा। सही वक्त है अपने आप को बदलने का और वो सवाब कमाने का जिनसे आप महरूम रहे। मोहम्मद हमें जहन्नुम के नाम से डराते हैं। जहन्नुम यही है। जो भी ऊपर वाले का वो फरमान लेके आया है, लोगों ने उसकी खिलाफत की। अगर रसूल अल्लाह ने लड़ने का हुक्म ना दिया होता तो मैं मरता था। रुक जाओ। खालिद इब्न अल वलीद हमारी फौज का सिपाही सालार अब हमें बता रहा है कि मोहम्मद के खिलाफ ना खड़े हों। मोहम्मद से लोगों को हर हाल में बचाना है। आखिरकार तुम्हारा वक्त आ ही गया अम्र इब्न लास। देखें मैं कैसे दूध का दूध और पानी का पानी करता हूँ। इन्हें जवाब दो अबू हैफा। अपने बहनों अबू सुफियान से कहो, अपने ससुर अबू यजीद को बताओ। मैं तुम्हें हक के रास्ते पे बुला रहा हूँ और तुम मुझे लोगों का वास्ता दे रहे हो। इस नेक इंसान का नाम खालिद इब्न अल वलीद। तुम्हारा क्या होगा जब अल्लाह के करम से उनका दीन फैलेगा। अल्लाह की कसम ये होगा।